आज का पहला सेंटेंस है, सयाली क्या शीला तुम्हारे यहाँ है। सयाली किसी लड़की का नाम है और शीला भी किसी लड़की का नाम है। तो सयाली से कहा जा रहा है, सयाली क्या शीला तुम्हारे यहाँ है। इट्स शीला देयर एट योर प्लेस। एट योर प्लेस मतलब तुम्हारे घर। इट्स शीला देयर एट योर प्लेस। आंटी वह अभी तक नहीं आई है। आंटी शी हैज़ नॉट कम। नॉट यट। नॉट यट मतलब अभी तक नहीं आई है। शी हैज़ नॉट कम नॉट यट। वह जैसे ही आएगी मैं तुम्हारे यहाँ भेज दूँगी। आई विल सेंड हर टू योर प्लेस। टू योर प्लेस तुम्हारे जगह पर भेज दूँगी। आई विल सेंड हर टू योर प्लेस एज सून एज जैसे ही। शी कम्स वह आती है। एज सून एज का अर्थ है जैसे ही। शीला दीदी अभी तक नहीं आई। शीला दीदी हैज़ नॉट कम यट। यट का वही अर्थ है अभी तक। शीला दीदी हैज़ नॉट कम यट। इस बार मैं उन्हें ढूंढने बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ। तो इस बार दिस टाइम आई वॉन्ट बी गोइंग टू फाइंड हर मतलब मैं उनको ढूंढने जाने वाला नहीं हूँ। आई वॉन्ट बी मैं नहीं जाऊँगा। गोइंग टू फाइंड हर उनको ढूंढने। तो कुछ इस तरह से कहा जाएगा आई वॉन्ट बी गोइंग टू फाइंड हर। नहीं आई है तो कोई बात नहीं। नहीं आई है एंड इट्स ओके कोई बात नहीं। इट्स ओके इफ़ यदि शी हैज़ नॉट कम वह नहीं आई है। शी हैज़ नॉट कम एंड इट्स ओके इफ शी हैज़ नॉट कम। आज खाना तुम्हें बनाना है। टुडे यू हैव टू कुक फूड। आज खाना तुम्हें बनाना है। टुडे यू हैव टू कुक फूड। देखिए कुछ इस तरह के सेंटेंस है कि जैसे तुम्हें आज पढ़ना है तो इस तरह के सेंटेंस में हम हैव लगाकर हैव प्लस वर्ब के साथ टू लगाकर बनाते हैं। तुम्हें पढ़ना है यू हैव टू रीड। तुम्हें खेलना हैव टू प्ले। तुम्हें जाना हैव टू गो। तो इसी तरह से तुम्हें खाना बनाना है यू हैव टू कुक फूड। आज मुकेश आ रहा है मेरा बचपन का दोस्त। तो मुकेश आ रहा है मुकेश इज़ कमिंग टुडे। और मेरा बचपन का दोस्त माई चाइल्डहुड फ्रेंड। बचपन को बोलते हैं चाइल्डहुड। तो मेरे बचपन का दोस्त माई चाइल्डहुड फ्रेंड। उसे तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना चाहिए। सो इसलिए ही शुड हैव फूड। उसे खाना चाहिए मतलब उसको लेना चाहिए फूड खाना मेड बाई यू तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ। सो ही शुड हैव फूड मेड बाई यू। मैं खाना पकाऊंगी। आई विल कुक द फूड। आई विल कुक द फूड। घर की साफ सफाई कौन करेगा। हु विल क्लीन द हाउस। क्वेश्चन किया जा रहा है हु विल क्लीन द हाउस। घर की साफ सफाई कौन करेगा। साफ सफाई क्लीनिंग। साफ सफाई को बोलते हैं क्लीनिंग। मैं कर लूँगा साफ सफाई। आई विल डू द क्लीनिंग। आई विल डू द क्लीनिंग। आ गई हेयर शी इज। कोई आ जाए किसी का इंतजार कर रहे हैं और वह आ जाए तो उसका हम ऐसे ही बोलते हैं हेयर शी इज वह आ गई। उठ जाओ गेट अप। गेट अप सो मत। डोंट स्लीप। गेट अप डोंट स्लीप। भैया आप इतना फ़ोन क्यों कर रहे थे। तो फ़ोन करना को कहा जाएगा कॉलिंग। भैया आप इतना फ़ोन क्यों कर रहे थे। वाई वर यू कॉलिंग सो मच। वाई वर यू कॉलिंग सो मच। और सबसे पहले आज आपके घर क्यों बुलाया है। एंड वाई हैव यू आस्क्ड। देखिए आस्क्ड का मीनिंग भी किसी को बुलाने के या पुकारने के अर्थ में किया जाता है यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले आज आपके घर क्यों बुलाया है। एंड वाई हैव यू आस्क्ड टू कम टू योर प्लेस फर्स्ट। आज साहिल की ब्लाइंड डेट है। टुडे साहिल हैज़ अ ब्लाइंड डेट। टुडे साहिल हैज़ अ ब्लाइंड डेट। इसलिए पूरे घर को अच्छे से साफ करना है। दैट्स वाई। दैट्स वाई का अर्थ है इसीलिए। द एंटायर हाउस पूरे घर को नीड्स टू बी क्लीन अच्छे से साफ करना है। दैट्स वाई द एंटायर हाउस नीड्स टू बी क्लीन। उन दोनों ने एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा। बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम उन दोनों ने हैवंट सीन ईच अदर एक दूसरे को नहीं देखा। बोथ ऑफ देम हैव नॉट सीन ईच अदर। तभी तो पट्टी होगी। दैट्स द रीजन शी सेड यस टू हिम। अर्थ है कि यही वजह है कि वह मान गई होंगी। दैट्स द रीजन शी सेड यस टू हिम। भैया आप दूसरा बाथरूम इस्तेमाल कर लो ना। या मतलब दूसरा बाथरूम इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू यूज़ अनदर बाथरूम। Why don't you use another bathroom? वहाँ अंदर मेरी शर्ट पहनकर चला गया है। वहाँ नहीं है वह है। He has gone inside wearing my shirt. He has gone inside. Inside मतलब अंदर। Wearing my shirt मेरी शर्ट पहनकर। He has gone inside wearing my shirt.
मतलब तुम दीदी के सामने नंगे खड़े हो, नंगे को बोलते हैं नेक्ड, न्यूड भी कहा जाता है। मीन्स मतलब यू आर स्टैंडिंग नेक्ड इन फ्रंट ऑफ शीला दीदी, यू आर स्टैंडिंग नेक्ड इन फ्रंट ऑफ शीला दीदी। मैं नंगा नहीं हूँ, आई एम नॉट, ये नेक्ड, आई एम नॉट नेक्ड।